तो हेलो दोस्तों, मैं क्या जी, कितना की हाल चाल। सो आज का व्लॉग काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आज असी संडे राइड पे निकले हैं एंड ये व्लॉग पंजाबी हिंदी दोनों ही मिक्स होगा, ठीक है। सो मेरे साथ पीछे चिराग बैठा है एंड अपना भाई आ रहा है पीछे, इधर है तो अपना भाई आ गया है एंड चलते हैं, कुछ देखते हैं हटके क्या कुछ कर सकते हैं। वेल, बाइक मैंने कराई थी, मॉड नहीं कराई, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सारी सर्विस करा रही थी बाइक की, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दे रही थी बाइक की वाली, तो अब वो सारी जो प्रॉब्लम थी सब की सब ठीक हो गई है। और चलते हैं, ओ मैन भाई, इसके अंदर इसका साइलेंसर रस्टिंग मतलब हुई हुई थी साइलेंसर पे, तो वो रस्टिंग मैंने उतरवा के उसके ऊपर पेंट करा दिया साइलेंसर पे। आपको बताऊंगा सारा कुछ अभी आगे जाके। वेल, बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी है। कल मैं लाया था ना जब बाइक, तब बारिश हो रही थी। भाई भी ब्लॉगर है अपना, करण मोंगा भाई। अब आज हम उसी रूट से जाएंगे जहाँ पर पानी बहुत था देखो यार, बस ऐसा रहे वेदर यार, सूरज ना निकले। ये लड़ाई होगी गाइस, ये देखो यार, लोग तमाशा देख रहे हैं, जैसे हम तमाशा देख रहे हैं वैसे ये देख रहे हैं। तो भाई फर्स्ट स्टॉपेज अपना होगा पेट्रोल पंप पे। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया हो गई भाई, तो हियर इज द पेट्रोल पंप। इंडिकेटर दे के मुड़ते हैं गाइस, इंडिकेटर दिया करो। ओह यार भाई, भाई उधर को बच्चा देख रहा है तो भाई पिछली वीडियो को काफी तगड़ा रिस्पांस दे रहे हो आप यार, काफी तगड़ा रिस्पांस, मैं खुद देख के हैरान हूँ यार। एक दिन के अंदर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ नहीं सकता यार वैसे तो, बट आपने करके दिखा दिया वो एंड अभी यार दिल से खुशी हुई मुझे यार। ऐसे सपोर्ट करते रहो गाइस आप। गाइस बारिश हुई थी कल एंड हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। गाड़ी वालों के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये भगा के लेकर जाने के लिए। कल मैं जब गाड़ी पे होता था ना तो मैं भी ऐसे ही पूरी भगा के जाता था, कोई मतलब देखता नहीं था कि कौन आसपास है कौन नहीं है, फुवारा चालू कर देता था मैं अभी ये स्लो वो चला रहा है गाड़ी वाला यार, एंड रोड टूट गई है यार बारिश की वजह से। भाई टॉप स्पीड चेक करते हैं कितनी लेकर जाता है अपना भाई।
बाइक है यार। बाकी अगर सिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया बाइक है यार ये वाली, काफ़ी बढ़िया बाइक है। और भाई अपना पीछे रह गया फिलहाल, मैं एकदम से मेरे मन में भी टॉप स्पीड चेक करूँ, मैं टॉप स्पीड तो चेक होगी 90 तक जाती है बाइक, बट वो कहाँ पर रह गया। तो बाइक की टॉप उड़ गई थी एंड मैं अपनी टॉप स्पीड चेक कर रहा था बाइक की, तो इट जस्ट हिट 90 किलोमीटर पर आवर एंड अमृतसरी हवेली, इसका व्लॉग काफ़ी जगह यार वायरल हुआ मेरा। गाइस अमृतसरी हवेली का व्लॉग काफ़ी जगह वायरल हुआ है, जिस किसी ने भी देखा है ना तो मुझे फ़ोन करके एक ही बात पूछी है, जितने मेरे जो नॉन पर्सन है उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी है कि भाई शेक क्यों गिर गया था। मैंने जानबूझ के नहीं गिरा था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, बस वो शेक का जो टॉप था ना टॉप, भाई देखो सीधी बात है मैं बताऊँ, मुझे ऐसे ग्लासों की आदत नहीं है ठीक है, तो वो शेक का जो टॉप था ना वो टॉप के अंदर मतलब वो बहुत हैवी था टॉप उसका, एंड जो बॉटम था वो बिल्कुल एकदम लाइट वेट था, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो हल्का मेरा टच ही हुआ, उंगली टच हुई मेरी, वैल अपने जो ग्लासों को ऐसे ही करते हो ना वो टेढ़े हो गए चिट्टे हो जाएंगे ठीक है, और अगर आप उस ग्लास को मैंने हल्का मेरा टच उंगली टच हुई थी तो उससे वो गिर गया था। यहाँ पर शूट करें कितना अच्छा शूट हो, ग्रीनरी के अंदर कितना अच्छा शूट हो यार, देखते हैं आगे आगे शूट की लोकेशन देखते हैं। तो गाइस ये चीज़ सबसे बढ़िया लगा दी है, हरियाणा के अंदर लगी है मेरे ख्याल से, मैंने हिसार में भी देखी थी ये चीज़, ये जो पोल्स लगा रखे ना लाइट वाले, तो ये बढ़िया चीज़ लगा दी है इन्होंने, हिसार को काफ़ी बढ़िया मतलब जगमगाता है सिरसा दिखता है, एंट्रेंस जो है ना ये सिरसा की एक काफ़ी बढ़िया दिखती है रात के टाइम पे। यहाँ पर शूट कितना अच्छा है यार, ग्रीनरी कितनी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यार। भाई कुछ कर रहा था पेट्रोल पंप खुल गया, अच्छा तो गाइस पेट्रोल पंप ओपन हो रहा है, दैट इज खैरा, एंड यहाँ पर अभी आएंगे हम। इस बारिश के मौसम के अंदर ये कितने हरे हरे दिखते हैं ना यार, तो ग्रास हो गई पेड़ हो गए कितने मतलब हरे हरे दिखते हैं, और ये ट्रैक कितना अच्छा लग रहा है, 6 लेन आई गैस ये, दैट इज पर्ल रिजॉर्ट, यहाँ पर बहुत सारे सिंगर इकट्ठे हुए थे यार, बहुत सारे के वी ढिल्लो है गीत MP3 का जो ओनर है, तो उसकी मैरिज यहाँ पर हुई थी, तो हाँ के वी ढिल्लो, तो उसने लगभग सारे ही सिंगर इकट्ठे कर दिए थे यहाँ पर, एंड हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ था ना यहाँ पर आसपास, हेलीकॉप्टर पर अपनी लैंडिंग करी थी यहाँ पर, एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी यार वो, तो हम ब्रेकर से नहीं लेकर जाते, दिस इज इंडिया, ब्रेकर से नहीं टपाना, वी हैव टू फाइंड द सेकंड वे। देख रहे हो गाइस वो लगा हुआ वूफर, वूफर नहीं स्पीकर, वूफर नहीं कह सकते नो यार, ओ माय गॉड व्हाट ए स्पीड गाइस, लाइट स्पीड चेक करना, गार्डन यहाँ पर अब इतना कुछ गाइस उन्होंने ओपन कर दिया ना भाई, KFC ये सब पे मेरे को नाम ही नहीं पता यार कुछ इतना तो तो भाई इतना कुछ ओपन कर रखा है इन्होंने यहाँ पर। एक साल पहले मेरे ख्याल से कुछ नहीं था यहाँ पर, तो लेट्स से यू टर्न एकदम से भाई इन्होंने इतना मतलब फ्रेंचाइजी इन्होंने ली है ना काफ़ी, मतलब एक ये रॉयल हवेली ये इतना मतलब मेरे को नहीं लगता चलता ही या नहीं चलता ही है। गाइस इधर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इस टाइम भी, शाम को भी देख लो हर टाइम मतलब इधर सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी।
सो गाइस राइट नाउ मैं हूँ इस बाईपास के ऊपर एंड पीछे आप देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है। सो दिस इज़ अ व्यू, आपने टाइम लैप्स के अंदर देख लिया होगा, मेरा काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार ये। वेल ये फ़ोटोशूट करवा रहे हैं भाई अपने, तो राइट नाउ अपनी बाइक ये रही एंड गंदी काफ़ी हुई पड़ी है क्योंकि यार बारिशों का मौसम है, सो गंदी होनी जायज़ है ये वाली। सो इसको अब कस्टमाइज कराऊंगा मैं, इसका जो वाइज़र है ये सारा मैं चेंज करवा के बढ़िया कुछ लगवाएंगे, देखते हैं कुछ इनोवेटिव करेंगे एंड इसकी शीट वगैरह भी उतारेंगे यहाँ से। यार पेंट करवाई थी ना मैंने तो उससे ये काला हो गया थोड़ा सा, सब कुछ इसके ऊपर नए तरीके से करा के देखेंगे। बाइक गंदी हुई पड़ी है, आप थोड़ा इग्नोर करना इस चीज़ को। तो चलते हैं चिराग, लेट्स गो करण, लेट्स गो। कितना बढ़िया लग रहा है यार ये यहाँ से व्यू, जो कितना अच्छा लग रहा है बाईपास पे यार, जो राइडिंग करने का एक्सपीरियंस मिलता है ना वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है बाईपास पे। हमें अभी टाइम लैप्स दिए यहाँ से, अपनी आपने देखा होगा कैसा लगा कमेंट करके बताना आप, एंड वीडियो ये वाली कैसी लग रही है लाइक कर देना, अगर बढ़िया लग रही है तो कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। गाइस व्यू देखो यार कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से, धूप की यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, ऊपर ब्लैक ब्लैक से बादल आए हुए हैं हल्के फुल्के। अपना एक साइकिल ब्लॉग भी आएगा जरूर, वेट एंड वॉच। सो गाइस साइकिलिस्ट आ रहे हैं एंड इसी तरह गाइस आपसे मैं मिलता हूँ जो लास्ट अपनी डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाके बाइक के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने यहीं पर बता दिया आपको। सो गाइस आपको मैं अभी बताता हूँ भी क्या कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब मैंने चेंज करवाई हैं। सबसे पहले तो आते हैं ब्रेक कैलिपर्स पे, तो ये दोनों मैंने चेंज करवाए हैं 60 रुपीस ईच एंड उसके बाद आगे बढ़े। एंड सेकंड थिंग इज ये जो शॉकर के ऊपर ना एक वो लगी हुई थी, एक रिंग होता है, वो रिंग होता है एक, सो वो डलवाया मैंने इसके अंदर। आगे बढ़े तो एक इसका जो यहाँ पर पेंट करवाया मैंने, अभी गंदी हुई पड़ी बाइक आपको इतना दिखेगा नहीं, यहाँ पर भी पेंट करवा दिया, इस साइड भी मैंने पेंट करवा रखा है, हाथ अभी लगाता नहीं मैं तो, क्योंकि ना ये आवाज़ इसकी अब चेंज हुई पड़ी है बाइक की, वो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि यहाँ पर पहले रस्टिंग हुई पड़ी थी इस पूरे प्रोपोर्शन पे इतने एरिए पे, तो वो सारा रबिंग वगैरह करा करू के मैंने उसके ऊपर पेंट करवाया। बाइक की आवाज़ भी बढ़िया होगी एंड काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होगी बाइक की। यहाँ से टूटा हुआ था एक बार काम चलाने के लिए, मैंने इसको फिट करवा दिया सही एक बार, तो मैंने ऑर्डर कर रखा है ये आएगा अभी। आपने अगर राइडिंग वगैरह करनी है लॉन्ग रूट के लिए तो दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ भाई, आपको क्या कुछ गौर करना चाहिए। सबसे पहले शोकर चेक करने चाहिए, शोकर लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है देख रहे हो अभी दोनों शोकर परफेक्ट है राइडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। एंड सेकंड थिंग इज टायर आपको कैसे चेक करना है, मतलब कितने परसेंट और काम करेगा या नहीं करेगा। सो ये चीज़ देखो यार, सबसे पहले तो ये ट्रेड देख रहे हो आप क्रैक्स इसके अंदर टायर के अंदर। सो ये मेरा भी अब टायर जो है बाइक का वो चेंज कराने वाला हो रहा है, मैं भी करा दूँगा चेंज। एंड ये चीज़ देखो यार ये बराबर हो गया इसके, देख रहे हो यहाँ पर गैप होता है, ये मतलब अंदर होता है और यहाँ से बाहर होता है, जो गुड़ियाँ कहने हैं पंजाबी से, बिल्कुल प्रॉपर सेम लेवल पे आ गया। क्रैक्स आए हुए हैं सो इसका मतलब टायर चेंज करवाना पड़ेगा ज़रूर। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा पेंट लगा हुआ है, इसको चेंज कराऊंगा लेमिनेशन को मैं। एंड स्टिकर भी अब चेंज होएगा, इसकी वजह कुछ बढ़िया से लगेगा, आगे अपना यूट्यूब का स्टिकर लगेगा। गाइस प्लेस है वो कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ पर शूट कितना अच्छा होगा, हमने यहाँ पर उस दिन बारिश हो रही थी तब शूट करा था एंड भाई अपने वो मास्क लगा के बैठ गया सही है। सो जगह देखो यार गाइस कितनी बढ़िया। सो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, टायर सुटा बार जाके आते हैं भाई, देखते हैं ओपन है या नहीं है, पहली बार मेरे ख्याल से तो ओपन होएगा, तो चलते हैं उधर की चाय टेस्ट करके आते हैं। उस टाइम भीड़ थी और कुछ इतना पता नहीं लगा उसके बारे में, सो मिलता हूँ सीधा आपको चाय सुटा बार पे। सो गाइस आ गए बरनाला रोड पे एंड चाय सुटा बार पे जाके चाय का सुटा मारते हैं तो चलते हैं गाइस। या इट्स ओपन ब्रो,
गाइस चाय से तवार पे आ गए हैं, लेट्स गो। दूसरी तीसरी बार ओपनिंग पे भी आया था पर व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, बनाया था उस दिन। अब अंदर चलते हैं। तो चिराग स्वीट कौन की वजह लगे भाई बहुत अच्छे थे, खाना खाते ही नहीं आए कि मैं कह रहे भाई बता देते हैं, अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था दिखने में, अच्छे थे ऐसे वो दिखने में अच्छा था, खाने में तो पता नहीं, खाया तो आएंगे। सो गाइस चाय अदरक वाली हमने ऑर्डर करी थी एंड कोई खास नहीं लगी मुझे, एंड सेकंड थिंग इज स्वीट कॉर्न ऑर्डर करे, स्वीट कॉर्न चाट, वो भी कुछ बढ़िया नहीं लगी मुझे यार, ठीक ही थे, ठंडे ठंडे थे, मतलब इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे एक्सपीरियंस। वेल जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाया था ना चाचू वाले का जो चाय है, चाचू वाले की चाय है, वो मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी, वो वर्थ लगी मुझे। तो अब चलते हैं सीधा, चलते हैं अब आगे या ब्लॉग ओवर करते हैं आगे जाके, देखते हैं क्या कुछ बनता है। सो मिलते हैं। तो गाइस कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लग रहा वो भी कमेंट करके बता देना, एंड भाई को जोश चढ़ गया बहुत ज़्यादा, बघा रहा भाई पूरी चाय पी के है फिलहाल ये, इसलिए इसको जोश चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। वेल नेक्स्ट साइकिल ब्लॉग के लिए आप रेडी रहो गाइस, विद इन 5-6 डेज के अंदर अंदर साइकिल ब्लॉग आएगा जरूर, एंड वीडियो आपको बढ़िया लगी तो लाइक कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।